हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान जन अभाव निराकरण समिति के अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री पुखराज जी पाराशर आज जागरूक टाइम्स और जागरूक टीवी के साथ हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में जागरूक परिवार के लिए समय निकालने के लिए सबसे पुखराज जी का शुक्रिया अदा करते और आइए पुखराज जी से उनकी बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। पुखराज जी, पिछले काफ़ी समय से आप राजस्थान जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष के रूप में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं। चूंकि आप जमीन से जुड़े और संगठन से जुड़े एक व्यक्तित्व रहे हैं, आज के मौजूदा और ताज़ा हालातों में आप अपने अनुभवों को हमारे साथ कैसे बांटेंगे? देखिए, मुझे जो जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष के नाते जो जिम्मेदारी दी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ध्येय है कि आखिरी पायदान पर मौजूद जो व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान घर बैठे कैसे हो, ये हमारी इस समिति का मुख्य ध्येय है एक्चुअली। और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का हमेशा कहते रहते हैं पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेही प्रशासन की नीति को मजबूत किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि समिति के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि आखिर छोर तक बैठे हुए व्यक्ति की समस्या का समाधान हम घर बैठे करें। इसके लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़े दिन पहले, जून की बात है, और जून में हमने ग्राम पंचायत स्तर पर, उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर बाकायदा हम लोगों ने प्रत्येक गुरुवार को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जन समस्याओं के निवारण के लिए वहाँ पर एक जन सुनवाई का कैंप रखा है। उसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत लेवल के आदमी, उपखंड स्तर पर उपखंड स्तर के आदमी और जिला स्तर पर जिला लेवल के स्तरीय जो भी समस्याओं का समाधान है वो उसी समय बैठे थे। और उसकी मॉनिटरिंग हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, CS खुद करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद करते हैं और हम लोग उस कैंप के अंदर बगैरा कभी कभी जाके निरीक्षण भी करते हैं किस तरह से काम चल रहा है, किसी तरह की वो ढिलाई तो नहीं है। मैं मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उस जिम्मेदारी को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से निभाने का काम प्रयास कर रहे हैं। संपर्क पोर्टल पे ऑनलाइन समस्याओं को लेकर के और उनके समाधान की एक ऐसी व्यवस्था अशोक गहलोत सरकार की पुरानी रही है, उसके बाद में भी आपके विभाग के नाते समस्याओं से आपका जो सीधा जुड़ाव रहा है, उसमें आपके बहुत कुछ ऐसे यादगार कोई अनुभव रहे हों जिनके बाद में आपको लगता हो कि नहीं, ये जिम्मेदारी पाके मैंने किसी का कुछ किसी भी रूप में आप काम आ पाए, तो निश्चित रूप से आपको एक सुखद अनुभूति तो रही होगी। इस संपर्क पोर्टल के बाद में भी आप अपने काम को और काम की व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो संपर्क पोर्टल पे जो समस्याएं लोग अपनी तरफ से बताते हैं, बाकायदा उसका सिस्टम बना हुआ है और संबंधित डिपार्टमेंट को जाता है, और मैं समझता हूँ कि उस समस्याओं के जो समाधान का हमारा जो प्रतिशत है वो 90% से ऊपर है ऑनलाइन मॉनिटरिंग का और समस्याओं के समाधान का भी। हम समस्याओं के समाधान को संतुष्ट करते हैं तो 97% के करीब है। तो 2-4%, 5% ऐसी समस्याएं होती है जो नहीं होने लायक होती है, तो मैं समझता हूँ नहीं होने लायक नहीं होती है, वो लोग वो इस तरह की बात है, बाकी 99%। दूसरी चीज़, पहले समस्याओं का समाधान का पीरियड बहुत लंबा होता था, 60 दिन लगते थे, 70 दिन में उस समस्याओं के समाधान के बारे में बात होती थी। हम उसको धीरे धीरे लाके 17, 18, 15 दिन, 14 दिन के अंदर उस समस्या का निर्धारण हो जाए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। समय सीमा जितना कम कर सकें और जितनी जल्दी उसका निस्तारण हो सके हम उस पर काम कर रहे हैं। राजस्थान की मौजूदा सरकार शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी और किसानों के हित के लेके पिछले 4 दशक का अगर अनुभव देखें अशोक गहलोत सरकार की, जब जब उनको मौका मिला है तब तब उन्होंने इस दिशा में एक ऐसे आयाम बनाए हैं जिसको देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने माना है कि राजस्थान कई मामलों में बहुत तेज़ी से और खासकर कांग्रेस के कार्यकाल में बहुत अच्छे से
आगे निकल के आया है। आज के मौजूदा तस्वीर में अगर हम देखें तो राजस्थान की जिस तरह से बुनियादी विकास हो रहा है या जो आधारभूत ढांचा जो तेजी से बढ़ रहा है, उसमें आप आने वाले समय में राजस्थान को कहाँ और कैसे देखते हैं? देखिए, विकास के मामले में मैं समझता हूँ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का कोई शानी नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की जितनी भी योजना है, मेरे ख्याल से देश के अंदर वो इस तरह की पहली योजनाएं होगी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू की है। चाहे वो पेंशन का मामला हो या किसी भी तरह की, आप देख रहे हैं कि जब लास्ट गवर्नमेंट में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पूरे देश के अंदर पहला राज्य ऐसा था जो निःशुल्क दवा वितरण की योजना की थी उन्होंने। जब और हमारी सरकार चली गई उससे पहले भी उन्होंने जांच योजनाएं वगैरह, मतलब आज की तारीख में राजस्थान के अंदर मैं समझता हूं कि कोई आदमी सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह की जांचें, भले वो 10 लाख लगे, 15 लाख लगे। और आपने अभी देखा कि पूरे प्रदेश में भी चिरंजीवी योजना लागू की है। पहले 5 लाख रुपए का तक का बीमा किया गया, जो BPL लेवल के आदमी थे उनको बिल्कुल फ्री सरकार की तरफ से था, और बाकी जो कुछ लोग इनकम टैक्स वगैरह जो भी जैसे भी देते थे उसको 850 रुपये पर देते, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। और उसके साथ में एक और कर दिया गया कि किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आदमी की डेथ हो जाए या कोई दुर्घटना हो, तो उसमें 5 लाख रुपए उसी चिरंजीवी योजना में एक्स्ट्रा भी किया। ये देश में पहली बार ऐसी योजना लागू की है। नहीं, देश की जो बहुत बड़ी एजेंसीज ने इसको माना है कि ये एक बहुत बड़ी माइलस्टोन योजना है की, और इसको पूरा देश मान पूरे आपने देखा होगा अभी योजनाओं के बारे में देखा, कर्मचारियों की जो OPS योजना, ये एक बहुत बड़ा मतलब कर्मचारियों के हितों के अंदर जो पुरानी पेंशन लागू NDA की सरकार आई थी तो उस समय 2004 में इसको बंद कर दिया गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू किया। उसका सरकारी कर्मचारियों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और उनको ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो आदमी सरकारी नौकरी करके रिटायर्ड हो जाए उसका की बात हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राजस्थान में हाल के दिनों में ERPC को लेकर के काफी शोर शराबा सुनने को मिल रहा है। राजस्थान की सरकार का अपना एक पक्ष है और केंद्र की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका एक अपना पक्ष है। ERPC की इस योजना और जो 13 जिलों के पानी का जो मसला है, इस पर आपकी कोई राय? देखिए, ये 13 जिलों का जो ERCP की योजना है, ये आप जानते होंगे वसुंधरा जी के टाइम में जब पिछली गवर्नमेंट थी तो उन्होंने योजना बनाई थी उसकी, और उस पर उन्होंने कोई आगे कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार जब आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर लगातार केंद्र से दबाव बनाए रखा। प्रधानमंत्री जी 2 बार राजस्थान, जब लोकसभा के चुनाव थे उस समय, तो 2 बार 12 में भी आए थे और अजमेर में भी आए थे, तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी उस समय कि हम इस ERCP के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इसकी जल्दी से जल्दी हम घोषणा करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको कार्य योजना को स्वीकृत करेंगे और 13 जिलों को पानी पिलाएंगे। उसके बाद में प्रधानमंत्री जी भूल गए। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हर मीटिंग में, नीति आयोग की मीटिंग हो या किसी तरह की मीटिंग हो, उसमें लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं, लेकिन हमारे जल संसाधन मंत्री जो जोधपुर से आते हैं, जो ये डिपार्टमेंट के विभाग इनके पास में है, लगातार इस मामले में झूठ बोल रहे हैं। ये कभी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से NOC लानी पड़ेगी, जबकि मध्य प्रदेश से किसी तरह की NOC लाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उसमें साफ लिखा हुआ है कहीं NOC लाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक इसको स्वीकृत करने का सवाल है, कभी कहते हैं कि राज्य सरकार ने इस योजना में कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कोई कमी है उसको पूरा करके भेजे। मैं समझता हूँ कि ये सभी बहाने वाली है एक तरह से। अभी थोड़े दिन पहले इन्हीं के मंत्रालय के सचिव ने इस काम को रोकने के लिए बकायदा एक राजस्थान सरकार को एक पत्र लिखा, इस काम को रोक दिया जाए।
जबकि ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कोई काम नहीं किया, क्योंकि वो तो ओनली पेपर के डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को स्वीकृत नहीं करती है, पैसा नहीं देती है, तो राज्य सरकार इस योजना को पूरी तरह से लागू करेगी, इस परियोजना को पूरा करेगी। इसके लिए अभी करीबन 10,000 करोड़ रुपए के करीब प्रावधान रखा गया है, और मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र सरकार इस योजना को पूरा नहीं करेगी तो राज्य सरकार इस योजना को पूरा करेगी, और 13 जिलों के जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है उस योजना को पूरा करेगी। हर्षद जी, अभी राजस्थान में चुनाव को लेकर लगभग 1.5 साल का एक समय बचा है, चुनाव की राजनीतिक दृष्टिकोण से तैयारियां भी चल रही है, क्या लगता है आपकी कांग्रेस पार्टी किस हद तक चुनाव के लिए तैयार? पार्टी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। राजनीतिक पार्टी है, फिर कोई भी पार्टी हो, वो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। हमारी पार्टी भी तैयार है, चुनौतियाँ जो भी आएगी हम उसका मुकाबला करेंगे। हमारा कार्यकर्ता चुनाव के लिए जब भी चुनाव होंगे हम लोग तैयार हैं। अभी तो हमारे पास 1.5 साल का समय है चुनाव का, और हम 1.5 साल की हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। हमने पिछले 4 साल में इतने काम किए हैं कि मैं समझता हूँ कि हम जालौर जिले की एक बात कर रहे हैं। हमारे देव जी भाई पटेल सांसद हैं, और मैं समझता हूँ कि 13 साल का उनका कार्यकाल रहा है। मैं जब भी जालौर जाता हूँ या जब भी मेरी बात होती है, मैं उनको हर तरह से चैलेंज करता हूँ कि आप 13 साल की अपनी एक उपलब्धि बता दीजिए और हम आपको 100 उपलब्धि बताएंगे। अभी भी उन्होंने आपने देखा होगा जालौर में एक पदयात्रा के पानी के। जबकि ये बताएं कि पानी की योजनाएं जालौर जिले की करीबन सारी योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत की। इनका जब 5 साल का राज था तो उन्होंने इस पर कोई काम नहीं किया। हमने जब इस योजना को थोड़ी गति देने की कोशिश की, और जब उनको लगा कि सितंबर अक्टूबर तक पानी आ जाएगा, तो धरने पर बैठ गए। तो ये राजनीति के लिए इस तरह का उपयोग करते हैं। तो मैं तो हमेशा उनको कहता हूँ कि आपकी एक उपलब्धि बता दीजिए, हम आपको 100 उपलब्धि बताएंगे। काम नहीं करते ये। यानी आप ये कह रहे हो, आपने देखा होगा कि रेल की भी जो समस्याएं थी, जब ये MP थे, जब UPA सरकार थी हमारी, उस समय ट्रेन की एक पटरी में बैठ गए थे, आपको याद होगा। तो ट्रेन की पटरी में बैठ गए थे, जब तक ट्रेनें शुरू नहीं हो जाती तब तक मैं भारत की पार्लियामेंट के अंदर भी मैं इस बात को रोकूंगा, और मैं इस ट्रेन की पटरी का आंदोलन करूंगा। जब से NDA की सरकार आई, न तो आपने देखा होगा कोई ट्रेनें शुरू हुई, न कोई यात्रियों की इसके विस्तार हुआ कोई कई तरह से, और न उन्होंने भारत की संसद में एक शब्द भी बोला। तो मैं समझता हूँ कोई बातें करते हैं, काम करने में रुचि नहीं रखते। और आप लोगों के पास इतना काम करने की, मतलब जितना आपने काम किया, हमारे पास बहुत कुछ है कहने को। जनता के बीच में आराम से कम्फर्टेबल रूप से जा सकते हैं, हमारी जनता इस बार हमें मौका देगी। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जागरूक TV और जागरूक परिवार के लिए समय निकालने के लिए हम एक बार फिर उपराज्यपाल हर्षद का आभार व्यक्त करते हैं।